अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बना रहे हैं एक कैंडल होल्डर। मैंने एक ग्लास लिया और ऑयल से मैंने इसको सारा ग्रीस कर दिया। अच्छा जी, अब ग्लू गन की हेल्प से मैं इस पर एक प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो बना लूँगी। आप लोग कोई भी बना सकते हैं। मैं बेस पे चेक बना रही हूँ और उसके बाद मैं ऊपर पेटल्स बनाऊँगी। और पहले ये हो जाए थोड़ा ठंडा, क्योंकि ये बहुत गर्म है और ग्लास भी खासा गर्म हो रहा था। तो बस अब मैं इसमें ऐसा पेटल्स बना रही हूँ और बस इसी पैटर्न को मैं पूरा ऊपर तक बना लूँगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ मतलब ड्राइंग में या इस तरह कुछ ख़ास बना नहीं सकती। और हॉट गन से बनाना वैसे भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। ये गर्म भी हो रहा था और ऑयल की वजह से ये स्लिप भी हो रहा था हाथ से, तो इसलिए बस मैंने जल्दी जल्दी इन्हीं पैटल्स को कंटिन्यू किया है। मार्केट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अपने हाथ से अगर आप कुछ बनाते हैं अपने घर के लिए तो इतनी खुशी होती है। मतलब कि मैं जब अपने हाथ से कोई चीज़ बनाऊं और वो अच्छी लगे, मेरे बच्चे देख के खुश हों या मेरे हस्बैंड कह दें कि वाकई बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है। हालाँकि इतनी कोई ज़्यादा कॉस्टली या इतनी कोई वर्थ भी नहीं होती, लेकिन आप जब अपने हाथ से कुछ बनाएं और वो कोई एक्नॉलेज करे तो बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं छोटे छोटे ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा जी, 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं नाइफ़ की हेल्प से आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं सेपरेट कर रही थी। इतना मुश्किल हुआ भी नहीं इसको सेपरेट करना, क्योंकि मैंने ऑयल अच्छी तरह पूरे ग्लास पे लगा लिया था। लेकिन ये है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता ताकि ये टूटे भी नहीं। और मैं नाइफ़ की हेल्प से ये देखें आप इसको अलग कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें सेपरेट हो गया बड़े आराम से। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस पे गोल्डन कलर का स्प्रे कर दिया। क्यों